भाई अपने जो विष्णु भाई हैं, ये दोनों भाई हिसार साइड गए हैं। मैं कहा मोदी जी ने सऊदी अरब में टैक्स लगवा दिया क्या, और भाइयों ने भी मुझे बताया कि भाई जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनमें बहुत सारी बिल्डिंग्स इंडियंस की हैं। जो यहाँ के किंग हैं उनका नाम है अहमद बिन ईसा अल खलीफा। तो फिर मैं बार बार यही कहता हूँ भाई, किले देखने हो तो फिर इंडिया में आओ। अब हम जा रहे हैं यहाँ से एवेन्यू की तरफ। यहाँ पर 1 करोड़ में अगर 2 BHK फ्लैट मिल रहा है तो फिर कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। महंगा लो तो भाई एक और फेमस चीज को टच कर दिया है। देसी भाषा में कीकर का पेड़ कहते हैं इसको, देसी पेड़ है भाई। जब भी आना ये देखने आना आप ठंड में ही, गर्मी में आने का काम नहीं है, लेकिन अगर रेट सुनेंगे तो मज़ा सा आ जाएगा। जय हिंद, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और इस वक्त हम हैं बहरीन में। मेरे को 3 दिन हो गए यहां पर बहरीन में घूमते हुए। बहरीन में एक्चुअली कुछ ज़्यादा था नहीं करने को, और मैं कल बैठा हुआ था रूम के अंदर और बस जब जो जहद थी कि कहाँ जाया जाए, क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैं अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह चेक करने लग गया, जो पुराने नए मैसेज हैं सबको देखने लग गया। और उसी बीच मेरे को एक मैसेज दिखा इंस्टाग्राम पे, जो मेरे एक प्यारे भाई ने मुझे किया हुआ था, और वो बहरीन के ही रहने वाले हैं। और मैं वैसे तो सारी चीज़ें पोस्ट बाद में ही करता हूँ इंडिया में जाके, लेकिन इस बार मैंने थोड़ी सी इंस्टाग्राम वगैरह पे स्टोरीज और फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट की। तो उस पोस्ट को देख के एक प्यारे भाई ने मुझे मैसेज किया, और आप ये लगाओ कि बस उस मैसेज को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, बहरीन में कुछ और भी देखने को है। तो वो प्यारे भाई हैं मेरे साथ, विष्णु भाई, विष्णु बिश्नोई भाई हैं, और पीछे भी एक और विष्णु बिश्नोई हैं। दोनों का नाम विष्णु बिश्नोई है। तो अभी हम साथ में रहने वाले हैं। और भाई इंस्टाग्राम को थैंक यू है, और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मैं इस मामले में लक्की आदमी हूँ कि कल मेरे को बहुत बोरिंग फील हो रहा था, बस मैं ये सोच रहा था कि इंडिया की फ़्लाइट वापसी कराऊं। एक्चुअली मैं थक गया हूं थोड़ा सा, और बहुत सारी कंट्रीज़ इस बार कवर कर ली है, 6 कंट्री है इस टूर पे, और इतना टाइम मैं शायद कभी बाहर भी नहीं रहा, और एक साथ मैंने इतनी कंट्रियां कभी एक्सप्लोर भी नहीं की थी। हाँ जी भाई साहब, कहाँ बिजी हो? राम राम जी। राम राम सारों को जी, बिल्कुल। चलो जी सफ़र शुरू करते हैं। भाई अपने जो विष्णु भाई हैं, ये दोनों भाई हिसार साइड गए हैं। ये 12 साल से यहाँ पर हैं भाई, और अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, और यहाँ पर एज अ सुपरवाइज़र एक बहुत बड़ी कंपनी को भी संभाल रहे हैं ये। इनसे बात करेंगे, इनके एक्सपीरियंस को लेकर बात करेंगे किसी अलग वीडियो में, क्योंकि ये भी बहुत लोग जानना चाहते हैं कि भाई अगर उन्हें बहरीन में आके बसना है, भाई कई लोगों को जॉब मिल रही होती है लेकिन वो बड़े मतलब असमंजस में होते हैं कि भाई आया जाए ना आया जाए, फैमिली के साथ आए ना आए, फ़ायदे नुकसान सुख दुख सारी चीज़ें बहुत लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि ये मिडल ईस्ट में ना बहुत सारे इंडियंस हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर कभी आपको आना है तो यही मौसम है हर जगह मिडल ईस्ट में आने का, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, बस उसके बाद तो यहाँ बहुत गंदी वाली गर्मी पड़ती है, आप लोग बाहर भी नहीं निकल सकते, और धूप जो है वो बहुत तेज़ रहती है यहाँ पर। यहाँ पर भाई लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है ना, बसेस वगैरह है, लेकिन लोग मोस्टली पर्सनली यूज़ करते हैं ज़्यादा। यहाँ पर जो है मैंने दुबई में भी देखा, यहाँ पे भी, यहाँ जितना भी मिडल ईस्ट में है सबके पास अपनी पर्सनल कारें हैं। जो कार हैं वो बहुत सस्ती हैं मिडल ईस्ट के रीजन में, ज़्यादातर ये दुबई में, ओमान में, यहाँ बहरीन में क्या रेट है कारें सस्ती हैं, महंगी? टैक्स फ्री है तो भाई यहाँ टैक्स फ्री है ये, लेकिन वैट लगता है 5% शायद। अभी 5% है, नेक्स्ट ईयर से 10% हो जाएगा। वाह, अगले साल से 10% हो जाएगा। मुझे 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 बहुत अच्छी आती है। मैं सऊदी अरब गया था भाई, तो एक भाई था उसका चैनल है यूट्यूब पे, और वो वहाँ सऊदी अरब की वीडियोस वगैरह बनाता है। तो मेरे से उसकी बात हुई वहाँ पर सऊदी अरब में पहुँचा, तो उसने मुझे मैसेज किया, भैया ऐसे ऐसे ऐसी बात करने लग गया, कह रहा भाई देखो मोदी ने कितना गंदा काम किया। मैंने कहा भाई क्या कर दिया मोदी ने सऊदी अरब में, क्या कर दिया मोदी की इतनी चलने लग गई कि मोदी जी भाई सऊदी अरब में भी कुछ कर गए? कहते देखो टैक्स लगवा दिया मोदी ने सऊदी अरब में। मैंने कहा मोदी जी ने सऊदी अरब में टैक्स लगवा दिया? कह रहा हाँ, जो 5% जो टैक्स लगाया वो मोदी जी ने लगाया सऊदी अरब में। देख लो खुदा के आदमियों भाई, लोगों की सोच देखो कि मोदी जी ने वहाँ पर भी टैक्स लगवा दिया। चलो ऐसा भी होता होगा, खैर उस भाई को ज़्यादा पता होगा।
तो मेरे को जब भी यहाँ ये वैट वगैरह की बात कहीं भी हो रही होती है, मुझे उस बंदे की याद आ जाती है कि भाई मोदी जी ने जाके वहाँ टैक्स लगवा दिया था, और यहाँ पे बहरीन में भी 5% टैक्स है, पता नहीं मोदी जी ने लगवाया या किसने लगवाया वो नहीं पता हमें। यहाँ बहरीन में ना भाई जितने भी बिजनेस हैं बड़े बड़े, उनमें कहीं ना कहीं इंडियंस का हाथ मिलेगा या इंडियंस के ही वो बिजनेस हैं। आप देखो यहाँ पे ये प्लांट लगा हुआ है आदित्य बिड़ला वालों का, अल्ट्रा टेक सीमेंट का, ये बहुत बड़ा प्लांट लगा रखा है, दूर से दिख रहा था, लेकिन इसके साथ बहरीन की जेल थी तो हमने वीडियो नहीं बनाई, कहीं जेल ना आ जाए उसमें और फिर पंगा पड़ जाता है ऐसी चीज़ों का ना, बनानी नहीं चाहिए। तो ये प्लांट बना हुआ है आदित्य बिड़ला का यहाँ पर, और भाइयों ने भी मुझे बताया कि भाई जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनमें बहुत सारी बिल्डिंग्स इंडियंस की हैं। भाई कितने मतलब यहाँ सारे बिजनेस व्यापार कर रहे हैं इंडियन, बहुत ना बहुत इंडियन है जो यहाँ व्यापार कर रहे हैं। और भाई वो सारी बातें एक अलग वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग कहोगे भाई कुछ दिखाया नहीं और इसमें बातें करते रहे। एल्युमिनियम का यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, एक वो बड़ी कंपनी हमने पहली वीडियो में शायद देखी थी, वो सबसे बड़ी कंपनी है एल्युमिनियम की। मोस्टली जो ये अरब कंट्रीज़ हैं इनके पास पानी का ज़्यादा इंतज़ाम तो है नहीं, यहाँ पर जो ये ओमान दुबई वगैरह सऊदी अरब में भी शायद और ये बहरीन में भी, तो ये जो पानी है ये डिसैलिनेशन प्रक्रिया द्वारा निकालते हैं, मतलब समुद्र के खारे पानी को ही नहाने धोने लायक बना लेते हैं, पीने लायक बना लेते हैं। तो ऐसे ही एक प्लांट जो बहरीन का है वो हमारे पीछे है, लेकिन पुलिस की गाड़ी खड़ी है तो ये शीशा नहीं खुलेगा पीछे। यहाँ पर प्लांट है जो यहाँ के किंग हैं उनका नाम है हमद बिन ईसा अल खलीफा, तो हमद बिन साहब की फ़ोटो लगी हुई है काफ़ी जगह पे। यहाँ छोटा सा ही बहरीन है और अभी ये क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड करे जा रहे हैं अपनी जगह को, मिट्टी वगैरह डाल डाल के मैन मेड आइलैंड बना रहे हैं चीज़ें। पीछे भी ऐसे ही ये सब हाउसिंग प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं, तो पीछे सारी मिट्टी डाली हुई है, इधर सारा पहले समुंदर था 4 साल पहले, विष्णु भाई बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं था 4-5 साल पहले तक। ये यहाँ का फिशिंग बोट है, बहरीन में अभी हम आए हैं पहले अराद फोर्ट पे, 15वीं शताब्दी में बना था, और यहाँ पर ये जो किला है वो रक्षा के लिए ही था बहरीन के, और बिल्कुल समुद्र तट के आसपास ही बना हुआ है। जो पीछे बिल्डिंग्स हैं वो हैं जुफेर एरिया में, और जुफेर ऐसा एरिया है कि अगर आप आ रहे हैं बहरीन एज अ टूरिस्ट तो आप जुफेर में होटल ले लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जुफेर में आपको खाने पीने की चीज़ें, होटल्स और मतलब सेंट्रल सा एरिया समझ लीजिए, वैसे बहरीन छोटा सा है कहीं भी रहेंगे वो सेंट्रल ही है, लेकिन जुफेर में खाना पीना और नाइट लाइफ वगैरह ज़्यादा है जुफेर में, तो जुफेर में आप रह सकते हैं अगर आ रहे हैं आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पर। तो वही अब एंट्री करते हैं किले में, और ये किला है सीफ मॉल के पास में, अब तो मॉल पहचान हो गई है, पहले किले पहचान हुआ करते होंगे, अब ये सीफ मॉल जो है उसके पास है, और ये किले का बुलंद दरवाज़ा जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 7-8 फुट का होगा, और भाई ये किला है लो भाई, घुसते ही ख़त्म हो गया ये जो किला है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ भाई किले देखने हो तो फिर इंडिया में आओ, ये किला है भाई। क्या देखें यहाँ पर, देखो ये क्या भाई, ये कुआं था भाई, पानी अभी भी है, तो ऊपर चल के देखते हैं भाई, झंडा लगा हुआ है बहरीन का। इन्होंने ऐसे ही छोड़ी हुई थी जगहें, फिर कुछ सालों पहले ही मतलब 84-85 में ही बताया गया कि भाई अपनी थोड़े से आर्कियोलॉजी वालों ने बताया कि संभाल लो, तुम्हारे पास ऐसे इतिहास की कमी है थोड़ा सा संभाल लो, तो थोड़ा सा मेंटेन किया हुआ। बाकी तो जहाँ एक किले में कल परसों भी गए थे वो तो बंद था किला, लेकिन ये खोला हुआ है। ऊपर आ गए हैं भाई, देखते हैं सैनिक यहाँ से देखा करते होंगे, और ये सारा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। तो भाई किला तो हो गया ख़त्म, वैसे होना ऐसा ही चाहिए, छोटी छोटी जगहों आदमी देख के जल्दी से बाहर आ जाए, क्योंकि हमारे राजस्थान वगैरह में चले जाओ तो भाई किले देखने के लिए मतलब एक किले में भी चले गए तो एक दिन चाहिए पूरा का पूरा उसे घूमने के लिए। तो यहाँ का किला 5 मिनट में ख़त्म हो गया,
और एक दो टूरिस्ट और आए हैं, पता नहीं ये बेचारे क्या देखेंगे यहाँ पर। किला तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये जगह खूबसूरत है। किले के आसपास जो है कबूतर, बिल्ली भी एक जा रही थी, उड़ गए भाई कबूतर तो सारे उड़ गए, उड़ा दिए। पानी वगैरह रखा हुआ है यहाँ कबूतरों के लिए, दाना भी डाल देते होंगे शायद, अभी तो सारा खा लिया। तो कबूतरों का अड्डा, बहुत सुंदर जगह है आसपास की, वो व्यू पॉइंट भी बना रखे हैं काफ़ी, मतलब अच्छा हैपनिंग एरिया है। और पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो सारी टोयोटा लैंड क्रूजर ही हैं बड़ी, और एक तो निशान की भी एक बड़ी कार आती है। कौन सी कार है निशान की जो बड़ी आती है? पेट्रोल। हाँ निशान पेट्रोल, बहुत बड़ी कार है वो भी निशान पेट्रोल। तो सारी गाड़ियाँ निशान पेट्रोल और वो हैं। भाई ने गाड़ी रोक दी, किया थैंक यू, शुक्रिया, शायद पाकिस्तान से लग रहा भाई, बढ़िया आदमी है। गाड़ियाँ रोक दिया करो भाई आप लोग भी, जहाँ पर जब गाड़ी चला रहे हो तो यार कोई पैदल राह ही दिखे तो गाड़ी रोका करो यार। अब हम जा रहे हैं यहाँ से एवेन्यू की तरफ, तो एवेन्यू यहाँ पर बहुत फेमस एरिया है, और गाड़ी हमारे पास भी थोड़ी बड़ी ही है। 16 सीटर टोयोटा की गाड़ी है विष्णु भाई और के पास, इनका ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर काम है। यह है छोटा हियास, क्या है भाई हियास, नंबर देख लो बहरीन का, 6 डिजिट का नंबर होता गाड़ियों का, सिर्फ बहरीन लिखा है और सीधा सीधा नंबर है। गाड़ी में चढ़ना उड़ना बड़ा मुश्किल काम है, आगे बैठना मुश्किल है, पीछे के लिए तो सही बना रखा जुगाड़। चलो जी एवेन्यू, ठीक है जी एवेन्यू चल रहे हैं भाई। गर्मी इतनी पड़ती है यहाँ पर कि यहाँ कार पार्किंग जो है हर किसी ने अपने घर के बाहर वो लगा रखे हैं शेड वगैरह कार पार्क के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो जाती है गर्मियों के टाइम पे। और हॉर्न मारते हुए लोग भी घबराते नहीं है, एक सेकंड में हॉर्न देते हैं यहाँ पर, देखो मारा किसी ने हॉर्न तो इतने नहीं जितने हमारे दिल्ली और इंडिया में मारे जाते हैं हॉर्न, वो तो एक्सट्रीम है, लेकिन यहाँ पर भी हॉर्न का रिवाज चल रहा है। मैं सीट बेल्ट लगा लूँ ज़रा, नहीं तो चलान का रिवाज भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। पीछे एक फोर सेल का बोर्ड लगा हुआ था घर के बाहर, तो भाई यहाँ पे अपना घर खरीद सकते हैं हम लोग ने, कभी कोशिश नहीं की घर खरीदने की? एरिया एरिया वाइज है, इसमें कौन से एरिया में खरीद सकते हैं, फ्लैट वगैरह है? कुछ एरिया में खरीद सकते हैं, वही पीछे बोर्ड लगाया हुआ था, तो कुछ एरिया में यहाँ जो बाहरी लोग हैं जो फॉरेनर्स हैं, हम भी फॉरेनर हो जाते हैं ना यहाँ के, घर खरीद सकते हैं, कुछ में नहीं खरीद सकते भाइयों का कहना है। तो महंगा होगा भाई घर तो, यहाँ क्या है रेट? फ्लैट कितना? 55,000, 1 करोड़, 1 करोड़ का फ्लैट, 2 बेडरूम, 2 BHK रेंज में मिल जाता है। अच्छा तो फिर बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है फिर तो, सिंगापुर वगैरह में बहुत महंगा भाई, 2 BHK शायद 7 करोड़ 8 करोड़ का मिलता, हांगकॉन्ग बहुत महंगा भाई, हांगकॉन्ग में बहुत रेट्स हैं, तो कई जगह बहुत महंगी होती हैं। यहाँ पर 1 करोड़ में अगर 2 BHK फ्लैट मिल रहा है तो फिर कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, महंगा तो है ही भाई, 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि छोटी जगह है ये भी। सिंगापुर की बात करेंगे तो वो भी छोटी जगह है, बहुत महंगे रेट हो गया। भाई हम पहुंच गए हैं एवेन्यू शॉपिंग मॉल में, द एवेन्यू एरिया कह लो इसको या शॉपिंग मॉल कह लो, एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है ये यहाँ का, और यहाँ लोग आना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सारी बिल्डिंगें जो आइकन्स हैं सारा बहरीन की आइकन बिल्डिंग्स हैं ये सारी, तो ये यहीं पे हैं आसपास ही, और काफ़ी मतलब एक डेवलप करके इस एरिया को बनाया हुआ है इन्होंने, तो देखते हैं अंदर शॉपिंग मॉल को भी और आसपास के एरिया को भी। भाई यहाँ भी दुबई की तरह गाड़ियाँ आम है ना, हमर खड़ी है, हमर वगैरह तो ऐसी रोड पे यहाँ आम दिख रही है, लैंड क्रूजर हमर ये सब आम गाड़ियाँ यहाँ पर काफ़ी चल रही हैं। एवेन्यू मॉल में वाटर बे रेजिडेंसी बाय रोबर्टो कवाली, रोबर्टो कवाली द्वारा तो यहाँ पर फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, और उसका मॉडल है यहाँ पर। ये जो मेन एरिया है, ये जो बीच में बिल्डिंग है, ये है यहाँ का फोर सीजन होटल,
और फ्लैट के प्राइस हैं वो हैं मतलब लगभग 1.5 करोड़ रुपया वन बेडरूम और 3 करोड़ रुपया टू बेडरूम के लिए, और जो भी है वो रबर्तो क्वाली स्टैंडर्ड में बनाया जाएगा। तो ये मॉल के अंदर इन्होंने लगा रखी है अपनी डिस्प्ले। हॉल में एंट्री कर ली थी, कुछ सीन्स आपने देख लिए होंगे, वीडियो वगैरह मना कर रहे थे कि मत बनाना तो व्लॉग किया नहीं, लेकिन फिर भी मॉल कैसा है आपको कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस दिख गई होंगी। और हमने यहाँ पर मैकडी से अभी खाना लिया है, तो भाई तो दोनों वेज हैं और मैंने एक मैक्सिकन बर्गर लिया है, अपना फ्रेंच फ्राइज और इतने बड़े बड़े ग्लास पेप्सी के लिए भाइयों ने। तो विष्णु भाइयों का थैंक यू है, चीयर्स है, पेप्सी से चेयर्स कर लेते हैं भाई। फूड कोर्ट है यहाँ पर सारा, KFC, ग्रिल्ड बर्गर, मैकडी और बहुत दो चार पांच दुकानें हैं और भी खाने पीने की, और इसके अलावा बहुत सी दुकानें बाहर भी हैं, शॉप्स और रेस्टोरेंट टाइप के। तो फूड कोर्ट है, अगर आप यहाँ आए हैं, अच्छी जगह है, सुंदर मॉल है, आपने देखा ही होगा। तो खाते हैं फिर कहीं और चलते हैं। बहुत शानदार एरिया है, बहुत ब्यूटीफुल बना रखा है इन्होंने ये द एवेन्यू एरिया। और मुझे प्रेम भाई ने पहले दिन ही कहा था कि द एवेन्यू चलेंगे, हम आ नहीं पाए थे, आज पहुँचे हैं द एवेन्यू। अंदर मॉल में व्लॉगिंग मना थी और बाहर ये एक जेटी है जो दलमा मरीन जेटी जिसे कहते हैं ये लोग यहाँ पर। तो बोट ट्रिप हैगी, अगर राउंड ट्रिप ले रहे हैं तो 2 BD यानी कि 400 रुपये राउंड ट्रिप के लिए। अभी हम जा रहे हैं बोट में भी, देखते हैं कैसा सफ़र है वो। और इसके टाइमिंग्स हैं ये वीकेंड्स में, वीकडेज में 10 से 10, वीकेंड्स में 10 से 12। अब वीकेंड्स में सिर्फ 10 से 12, 10 AM to 12 AM ये बोट है। और ये दलमा मरीन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, पुलिस एमरजेंसी नंबर 999, एम्बुलेंस 999, कोस्ट गार्ड 994, सिविल डिफेंस 999। अब आप ज़्यादा ही तेज है ना भाई, हमारा ये कैमरा ही ना उठ जाए, इतनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे। आगे भाई जेटी में कहीं बैठ जाएंगे भाई, ये है जेटी, पीछे है 4 सीजन होटल और वो 2 बिल्डिंग है जो फेमस आइकन है यहाँ का। ये 2 बिल्डिंग्स हैं जो बहरीन का आइकन है, एक ये वाली एक वो। ये फर्स्ट वाली बिल्डिंग है, रबर्तो क्वाली जो ब्रांड है वो इसे डिजाइन कर रहा है। भाई थैंक यू, बोट ट्रिप एंड हो गई, बढ़िया था भाई, अच्छा नज़ारा था। 2 BD टिकट थी पर बंदा, अगर आप लोगों को ना चुभे तो नज़ारा बहुत बढ़िया था, सारा जो एवेन्यू का जो भी व्यू है वो इस बोट पे बैठ के दिख जाता है। और ये जो एरिया है एवेन्यू का जो इस साइड है, ये सबसे मतलब बेहतरीन व्यू है यहाँ पर, पूरे बहरीन का सबसे खूबसूरत दृश्य। अगर आपको खूबसूरत अगर आपको नज़ारा देखना है तो यहाँ एवेन्यू के ये वाले साइड से दिखेगा, जो ये आउटडोर वो है ना रेस्टोरेंट, इंडोर भी है आउटडोर भी है। और यहाँ पर ही लगा हुआ है ये आई लव बहरीन। तो भाई आई लव बहरीन का ये जो साइन है ये है एंट्री गेट नंबर 6 के सामने, जो इधर सी साइड वाली साइड है। तो हम बाहर आ गए हैं ग्रैंड एवेन्यू मॉल से, और बाहर आते ही गाड़ियाँ दिख रही हैं, देखो GT, लैंड क्रूज़र, BMW, ऑडी,
मर्सिडीज, मतलब कोई भी नॉर्मल गाड़ी नहीं खड़ी हुई, ये नॉर्मल में ही है इनकी। ये देखो सब सब रेंज रोवर सब। और ऐसा नहीं है कि वो कोई ख़ास पार्किंग थी, नॉर्मली भी देखो गाड़ियां खड़ी हैं, जो लेक्सस, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, मतलब आम है ये गाड़ियां यहाँ पे। गाड़ियां ये शौक़ रखते हैं भाई, सऊदी वालों के पास भी गाड़ियां बड़ी हैं, दुबई वालों के पास भी बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, और गाड़ियां सस्ती भी हैं यहाँ पर ना उस हिसाब से। देखो पॉश, वॉल्वो, टोयोटा यारिस, रेंज रोवर स्पोर्ट, माजदा, जीएमसी, जीटी, मतलब कोई भी हर जगह जो भी गाड़ी खड़ी है बड़ी खड़ी है, लेक्सस या चलो भाई, और अपनी भी टोयोटा है। अब हम आगे चलते हैं।